वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साहब संगत जी, ये पावन पवित्र स्थान गुरद्वारा श्री पीर बाला साहब जी, पहले पातशाह धन श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी महाराज, जिस वेले गुरसिखी का प्रचार प्रसार करद चौथी उदासी वेले महाराज इस पावन ये पहाड़ी की चोटी ते महाराज पहुँचे है। इत्थे पहला सिद्धपुर श्रिया करते सी गोरखनाथ भरथरी नाथ वर्गे, भरथरी नाथ इत्थे चौंठ मन का डोलू भर के पानी का रोजाना लिया करके सिद्धां दी सेवा करिया करदा सी, पिउंदा सी। एक बार महाराज गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी इत्थे पहुँचे, भाई मरदाना जी दे नाल महाराज ने आसन लाया। जिहड़ा सिद्ध भरथरी नाथ है ये पानी लियाउण दी सेवा करिया करदा सी। एक बार ये बण दे विच जिस वेले जंगल विच पानी लियाउण दे वास्ते डोलू विच गया है, उत्थे इक नूं करंग दी आवाज़ आई। उन्हें कहा कि भरथरी नाथ, तू पहला भी व्याया होया है, फिर तेरा जूनागढ़ के राजे की लड़की के नाल तेरा संबंध है, व्याह है, पर तू चौवां पैरां दे विच उत्थे पहुँचना चाहीदा जूनागढ़। जे चार पैरां दे विच ना पहुँच सकिया तो तू नरकां दा भागी बनेगा। उस वेले भरथरी नाथ जी आवाज़ सुन के डरे, फिर वापस सिद्धां दे कोल जिस वेले आए, गोरखनाथ जी उन्हां नूं बेनती कीती कि मैनू किवें आकाश बाणी होई है ते मैनू चौवां पैरां दे विच जूनागढ़ तुसीं पहुँचाओ। उस वेले गोरखनाथ उन्हां ने जवाब दे दिता कि असीं भावें किन्ने शक्तिशाली पर इन्ने समें दे विच नहीं पहुँचा सकते। कहिण लगे फिर की करां। गोरखनाथ जी ने कहा, गुरु नानक देव साहब महाराज अपनी इस पहाड़ी से आए, महाराज की कृपा करन ते ए औखा कठिन कार्ज महाराज सुखै नहीं कर सकते। उस वेले भरथरी नाथ महाराज की शरण विच पिया। महाराज गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह महाराज ने कहा कि भरथरी तू त्यागी है, तू राजा जोगी है। उस वेले महाराज साहब जी ने डंडे दे उत्ते भरथरी नाथ नूं सवार कर लिया, रबाब दे उत्ते भाई मरदाना जी नूं सवार कर लिया, ते महाराज आप ढाइयां पैरां दे विच ही उत्थे जूनागढ़ जा पहुँचे। जा करके ते जूनागढ़ दे राजे दी लड़की दे नाल भरथरी नाथ दा आनंद कारज विआह करके महाराज सच्चे पातशाह जी इस पावन स्थान ते लियाए। ये साध संगत जी, वह पावन पवित्र स्थान है धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज सच्चे पातशाह जी, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिखी सो थान भालिया लै धूर मुख लावा। बड़ा ही ये रमणीक अस्थान है। इस अस्थान की सेवा महापुरश बाबा जी, बाबा हाकम सिंह जी, बाबा सुखा सिंह जी, समूह देश विदेश दंगतों के सहयोग के नाल करवा रहे ने। इस स्थान पर सालाना जोड़ मेला महापुरश सचखंड वासी जथेदार संत बाबा हरभजन सिंह साहब जी महापुरशां की सालाना बरसी के जोड़ मेले 6 अप्रैल वाले दिन हर साल बड़ी धूमधाम के नाल श्रद्धा भावना के नाल मनाए जाते हैं। आप संगतों नूं मैं बेनती है कि पावन स्थान से आ करके सतगुरां दे पावन स्थानां दे दर्शन करके अपना जन्म सफलिया करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਚਟਿਆਂ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਪੇ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ। ਵਰ ਵਰ ਅਕਾਲ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।